तो तुहरे गले में गढ़ा कहे हो जाता है हो? पूछो तो जान बहुत ऊंची बात। अरे यार बताओ। चलत गोड़ तिरछा परे है? चलत गोड़ तिरछा परे चूतर डगमग हो, हसत गाल गढ़ा परे जानो पक्का गणवा हो। लेने के तो मजे के गंडू संगीत पेश किया गया आप लोगों के सामने। संगीत पेश किया गया तिरंगा भारत का अपना खून बाप बेटे की लड़ाई। हाँ साथियों, संगीत देखने से पहले हमारे कलाकार आप लोगों के सामने चाहेंगे, पहले आप उनका पाठ परिचय कीजिए, उसके बाद हमारी कहानी स्टार्टिंग होगी। विक्रमगढ़ रियासत से शुरू की जा रही है। विक्रमगढ़ रियासत के महाराज विक्रम सिंह जा रहे गौ फरमाएगा महाराज विक्रम सिंह। इस राजा के राज ने प्रजा पर अत्याचार हो उस राजा के जीने को धिक्कार हो धिक्कार। पहचान किया नीचे उन्हीं की महारानी जिनका नाम महारानी शांति है। महारानी शांति शांति छाए है बादल छाए है बादल तो बरसात जरूर होगी, जिंदगी रही तो मुलाकात जरूर होगी। पहचान किया चौनी महाराज के दरबार का महामंत्री जिनका नाम मंत्री मानसिंह है। मंत्री मानसिंह वफादारी के नाम पर वफादारी क्या चीज है वो करके दिखा दूंगा। और सबसे भाग दीजिएगा महाराज विक्रम सिंह के दरबार का सेना नायक जिसका नाम सेनापात भैरव से झंझटी है। कमेशीलाल झंझटी जवने कहीं जाब सवेरे लंबे कहीं है वह जात है झंझटी वा वही निहात है अस्सी कुवस से छेड़े न गाओ छोटे झाटो ना लेकिन वो वीर है भारत के हम वीर है भारत के हम धमकी में आ सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वफादारी के नाम पर वफादारी के नाम पर अच्छा पौवा लगा लूंगा। वफादारी किसे कहते वो करके दिखा दे। इंग्लैंड की तरफ ध्यान दीजिएगा
दौड़ेगा जरूर दौड़ना धाया। सोचा है किसी प्रकार हम हिंदुस्तान को गुलाम बनाए, लेकिन अभी तक ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मेरी ख्वाहिश तब पूरी होगी जब हिंदुस्तान में तबाहियों का झंझाल होगा। वो तबाही हम करवाए, ऐसी तबाही जो ऐसी तबाही में बाप बेटे को मारे, बेटा बाप को मारे, मंदिरों में बम फुआए और एक धमाका मस्जिदों में भी हो, तभी हमारे कामयाबी को प्राप्त होगी। हम इस प्रकार की तबाही मचाएगा ताकि प्रशासन परेशान हो और हमें हुस्ने का उठाए मिले। इसीलिए भी तबाही करने से पहले हमें महफूज बनाना चाहिए। हम ऐसी तबाही मचाएगा कि हिंदुस्तान देखता रह जाएगा और हुकूमत फिर एनजीओ की होगी। पहचान किया उनका सिपाही यानी सैनिक जिसका नाम डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों के सामने जा रहा है। बहुत शुक्रिया डायरेक्ट। यार निकाला तो बहुत हुआ अम्मा, लेकिन नाम काला गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, डाबर कंपनी की दवा। मेरा नाम झंडू बाम और चट्ट लगाओ तुरंत आराम। सर्दी हुए चाहे जुकाम, निहुर जाओ तो बहुत आराम। इंग्लैंड का नौजवान हूं, आगे तो बढ़ सकते नहीं, सर झुका सकता हूं लेकिन सर कटा सकता नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बहादुर है। खाता हूं खाना तो नाक से स्वाद आता है, हाजमा दुरुस्त रहती है तो पीछे से पाद आता है। बहुत अच्छे, बहुत सही कह रहे हो।
आते जा रहे हो? मेरे जाते समय आते समय कौनों के धारा ने कौनो नौजवान ने हुर्राया अन्यथा सीटी मारा तो मैं गोली पे कड़ी मारता हूँ। हुर्राया जवान पे जीती तो कह दी हो, लेकिन इस बार सुन लो कान खोल के, कौनो लौंडा ने किसी नौजवान ने कौनो बुढ़ावा ने कौनो के धारा ने का सीटी मारा। नहीं हम तो जानते रहे नहीं, सिटी बाज लौटा ही नहीं ना। वाह कौनो कौनो सिटी ची ची बोलती है। हे जितना जने सिटी बजावत हो तुम्हार सबके सिटी खुली नहीं ना, काल मिलो सिटी खुलवा लो, जो अगली दाई आई तो सिटी साथ। इतने ही कलाकारों से हमारी कहानी प्रारंभ की जा रही है, बाकी शेष कलाकार संगीत के मध्य में दिखाइए। कहानी चित्रकार मेरे ले लाना है। अब भाई एक ढान है दिए पर मशीन चपक लिए। अब तो मेरे ले लाना है यार। ओ भैया और क्या लाए? पान लाओ, पान लाओ, बीड़ी ले आओ, पान लाओ, बीड़ी ले आओ। अरे सिकरियो ले आओ पहला हवा। सिकरियो ले आओ पैनामा हमारे लिए। लेकिन रंडी कैसी हो? गोरे गोरे काल है उसके, हाय हाय गोरे गोरे काल है उसके, कालों पे काला नहीं। भैया ये बताओ जो तू हंसा थे हो तो तुहरे गलों में गढ़ा कहे हो जाता है हो? पूछो तो जान बहुत ऊंची बात। अरे यार बताओ। चलत गोड़ तिरछा परे है? चलत गोड़ तिरछा परे चूतर डगमग हो, हसत गाल गढ़ा परे जानो पक्का गणवा हो। यानी कि तुम मजे के गंडू हो? हम साले तुम्हें गंडू दिखाई था, गंडू ना है लेकिन कुछ कुछ लाइन तो गड़बड़ है। तो रंड कैसी हो? गोरे गोरे गाल हो उसके, गालों पे काला हो। कितनी बड़ी? कितनी बड़ी हो या तेरी बड़ी जैसे पड़ती का। मैकुलाल, ओ भैया मैकुलाल रंडी आ गई। आओ सामने हाजिर करो। राम गणेश रंडी आ गई। अरे ये कैसी मुछही रंडी ले आए? मैकुलाल यस सर, जय हिंदू। जय हिंद कहा जाता है। जय हिंद मैकुलाल,
ये बताओ कि जिस कुर्सी पर महाराज विराजमान होते हैं उस कुर्सी पर तुम दोनों को बैठने के लिए किसने कहा है? अरे ज्यादा तो नहीं बोल रही, मुछिया खोस दे ऊपर सदन पैदा हो जाए। बता दियो इनका, बता दियो कि मुझे जहाँ खोसे पहन के सदन पैदा हो जाए। पहले साहब खड़ा हो जाए, मैं कुलाल पहले पूछिए किस हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि किस हैसियत से बात कर रहे हो? अच्छा आपने पूछ लिया। जी हाँ, यही कुर्सी के लिए खाद्य मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता लोग, विधायक लोग इलेक्शन में भाता देते देते परेशान हो जाते हैं, उनको नसीब नहीं होती है। मैं आई एम कुर्सी। यही तो बात है कुलाल, कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो इस कुर्सी का अपमान होता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो हम जानते हैं, अब वह कुर्सी पर से उतरब तो प्याज आप। लेकिन मैं कुलाल, मैं कहता हूँ कि कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कुर्सी पर महाराज विराजमान होते हैं। अरे कुर्सी से नीचे उतरेंगे कब? कुर्सी से नीचे कब उतरोगे? आप कौन है? मैं यहाँ का सेनापति हूँ। पहले हम भी थे। क्या सेनापति के कमांडर थे, और तुम्हारे जैसे सेनापति हमारे तेल लगाते थे। अब पूछे कौने थाने में थे? किस थाने में थे? वो थाना फैजाबाद जिले में पड़ता है, थाने का नाम है निहुराई थाना। वो रौनाही थाना है। रौनाही थाने में जब मैं पहली बार भर्ती हुआ, पहली बार भर्ती हुआ, मेरी ड्यूटी कहाँ लगाई गई? कहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी लगी? दुनिया के मेले में। बेईमान, दुनिया का मेला नहीं, वो दुनिया का मेला है। दुनिया के मेले में, उस मेले के अंदर दो जेब कतरे थे, यानी वहाँ पर दो जेब कतरे थे। लेकिन ये बताओ मैं कुलाल, को जेब कतरे कैसे थे? वो नाले साले बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हराम ज्यादा साले कुत्ते, तुम मुझे कह रहे हो? नहीं साहब, उन दोनों जेब कतरों को, यानी जेब कतरों को कह रहे हो? बहुत अच्छे। मैंने सोचा ये दोनों जेब कतरे मेला वालों की जेब काट लेंगे, मेला वालों को मेला देखने के लिए पैसा, मेला देखने की। हम सेनापति के कमांडर थे, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने ये जब कतरे को दो चार मुझे कह रहे हो जेब कतरा लगा, जेब कतरा लगा, जेब कतरों को कह रहे हो? ये जेब कतरा कुछ करियर बैठत रहा, तब क्या हुआ? अवनता हमारे आठ नौ लात मारी। अच्छा अच्छा, मैं वही जगह विषाद खाने की दुकान थी, वही दुकानिया पर मोहे के बले फाट। तब तो अच्छा क्या उसने? क्या देखा? एक हाथ का मान लीजिए डंडा, एक दो तीन हाथ का डंडा पड़ा हुआ था, लगभग कितनी दूर पर? कितनी दूर पर? इतनी दूर पर। अब मैंने काम क्या किया? क्या काम किया बताते? अगर बताओ देखो, रपट के डंडे उठा लिया, तब क्या किया? और कहने लगा, साले गधे के औलाद, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा टट्टी के रास्ता पसाब पसाब का टट्टी। भागे भागे, अब उनके पाछे पाछे हमने दौड़ लगाया। कैसे? कैसे? आराम से भागे जा रहे हो? बतला रहे हो? इस सारे से बता रहे हैं। कुर्सी नहीं छोड़ रहा, मुझे कह रहे हो? इस सारे से बता रहे हैं। कैसे? कैसे?
साले बहुत होशियार निकले। माइकुला सामने आओ। माइकुलाल हम आपको अपने भाई का सामान मानते हैं, हमका मारा ना जाए साहब। नहीं मारूंगा। अंग्रेजी का हम अंग्रेजी बेल नहीं पाई तो बोल नहीं पाते होंगे। माइकुलाल सभी दरबारीगण तैनात हो जाइए क्योंकि महामंत्री का आगमन हो रहा है। कहिए महामंत्री वर, आप अपनी ड्यूटी पर सतर्क हो जाओ कि महाराज का आने का वक्त हो चुका है। बहुत अच्छी बात। महामंत्री मान सिंह वो सेना पर भैरो, आज सुबह जब मैं नगर भ्रमण करने के लिए गया तो महारानी की तबीयत खराब थी। मुन्ना को भेज करके ये पता लगाओ कि महारानी की तबीयत कैसी है। इस वक्त तुम राजमहल के अंदर चले जाओ और ये पता लगाओ कि महारानी की तबीयत इस समय कैसी है। अच्छा ठीक है जाओ। अरे कुपिया भाई माइकुलाल आज बात क्या है जो इतने खुश नजर आ रहे हो। महामंत्री जी खुशहाली की बात बहुत है। वो कौन सी खुशहाली की बात है? राज माता जी को भगवान की कृपा से लड़का पैदा हुआ। क्या महारानी के गर्भ से एक सुंदर राजकुमार के जन्म हुआ। माइकुलाल ये बताओ लड्डू किस खुशी में खाओगे? अरे राजमाता के लड़का पैदा भा आज खुशहाली है। क्या कहा? हा, 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 हा। इसका मतलब राजकुमार का जन्म हुआ है। ठीक है लड्डू लाओ। तुम्हें लड्डू मिले हम जाए यही खुशी में अपन घर फूंकी है। बड़ी बहुत खुशी है भाई जाओ फूंक दियो। जाओ ले माचिस ले 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 जाओ घर फूंक दियो। जाओ घर फूकने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ मेरे घर का लिए फोन कर दिया कमान में रहो कह दो चुड़िया फोड़ डाले। ऐसा है माइकुलाल अंड बंड ना बोलो जाओ महारानी व राजकुमार को दरबार में ले आओ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमार के
दाएं भुजा में शिव जी की मूर्त बनवाई जाए, वह रोजना को जलाया जाए, इसमें नाम शिव लिखा जाए। राम जैसी तुम चले जाओ, किसी को नारायण को बुला रहा हो जाओ। जाइए बदना वाले को हेरी। ओ बदना वाले भैया आ रही हूँ, आइए डार्लिंग। एक नारी तुम्हें राजकुमार के दोनों हाथ में शिव का फोटो और शिव नाम लिखना है। ठीक है जा। तो कब बैठा हो, आओ तो है पानी पियाई। खोटे पर दो ठे लड्डू कई दिन के सुखात है, वका खा के पानी पी ले। वो है सुनो किंची, बोलिए। इस राजकुमार का नाम शिव होगा और शिव जी का फोटो होगा। तो मशीनिया तार तो लावा तू ही तो धरे है, मशीन नहीं लेके तो काहिया बार बनावे आए हो। मशीन कहा तू का मूंद ली लो, ऐसे पहले रखो सीना पर रखो या का ची 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 ची। अब नाम लिखो चू 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 ची चू ची 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 ची। बहुत गोदना गुआ देव, ये खान के गोदना कपो नहीं गुआ देव। ये बताओ सयान मने तो सी सी करा थी और रोवा थी इनान भरे के गेदारा किंचा चिल्लाना। अरे अरे के देखा था तना तना दवाई दलमत लगाए हैं, चिल्ला के ही लगावा है जैसे हमारा गेदारा जैसे महाराज की गेदारा।
क्या गुजरा गोदा गया महामंत्री मान सिंह मुन्ना को भेजकर राज खजाने से 500 सरफिया देकर इन लोगों को विदा किया जाए। चलो पहले से एडवांस आने, चलो चलो हमारे साथ सबका दीदी हिया दक्षिणा लेके चली जाओ। बाबू विपिन सिंह पर्वतपुर के निवासी है, जो मैंने मान मशीन चली बहुत जो चिल्लान होने एक खुश है कि 10 रुपया कहीं जा ले तो रात में नाश्ता कर लियो। महारानी जी अब आप चलिए अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। ठीक है महाराज। महामंत्री मान सिंह मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या चाहते हैं मंत्री जी? बात मेरी सुनो ध्यान से मंत्री जी। मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से, मेरी प्रजा नहीं होने पाए, मेरी प्रजा नहीं होने पाए दुखी। खोल दो तुम खजाने के हर द्वार को, जिससे हो जाए प्रजा। महाराज तुम्हारे कहने का मतलब इस राज में कोई दुखी होना चाहिए? महाराज आप राजमान हैं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।